आपने जैसे सीबीएसई बोर्ड को कैंसिल कर दिया एग्जाम 12th बोर्ड का, या स्टेट बोर्ड के बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर वो भी कैंसिल कर रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है, ESE जो है इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम 18 जुलाई को प्रीलिमिनरी पेपर होने वाला है, तो उसको लेकर स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा किया है कि पेपर कैंसिल कीजिए। तो इस पर मेरा भी मुद्दा क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको इस पर वीडियो पर डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कैंसिल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये रीज़न भी। स्टूडेंट ट्विटर पर कल ट्रेंड भी कराया इस टॉपिक को लेकर, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहा, बहुत सारे मीडिया ने अपनी जो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ, और टीवी पे भी बहुत सारा, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे यूट्यूबर में बहुत सारे न्यूज वालों ने इसको कवर किया। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। तो आज आप बात करेंगे ESE 2021 का जो पेपर होने वाला है 18 जुलाई को, उसको लेकर बात किया जाएगा, और ESE पोस्टपोन हैशटैग पोस्टपोन ESE 2021 का जो ट्विटर पे कल ट्रेंड हुआ, बहुत सारे ललन टॉप और ऐसे न्यूज़ वालों ने इसको कवर भी किया। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, लोग क्यों कह रहे हैं पोस्टपोन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, अब बहुत सारा ESE का पेपर जो होता है ऑफलाइन पेपर होता है, सभी लोगों को पता है, और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक 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 ब्रांच में कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, तो ऐसे बात किए तो 4 ब्रांचों में कम से कम 6 लाख 7 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं, ठीक है, इससे मिनिमम देते हैं, इतना और भी बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए 5 आवर का पेपर होता है, 5 आवर का पेपर होता है, पहले शिफ्ट में जो होता है आपका नॉन टेक होता है, नॉन टेक का 2 आवर का पेपर होता है, मॉर्निंग में हो जाता है, फिर आपके अगला पेपर जो होता है 2 बजे 2 से 5 होता है, वो 3 घंटे का पेपर होता है जो टेक्निकल होता है, और 4 ब्रांच मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड सिविल होती है, ठीक है। अब इसको लेकर बोल रहे हैं स्टूडेंट कि 7 आवर का पेपर होगा टोटल, मतलब गैप भी 2 आवर, एक सेंटर पे 7 आवर लोग रहेंगे, तो कैसे मतलब हम लोग मतलब वहाँ पे जाके आप पेंडेमिक का सिचुएशन जो है, कोविड का सिचुएशन, उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती है, तो वहाँ पे अब पेपर को पोस्टपोन किया जाए 2 मंथ 3 मंथ जो भी करना है कर सकते हैं, ठीक है। UPSC को टैग भी कर रहे हैं, हैशटैग लगा रही UPSC, उनको टैग भी कर रहे हैं, PM मोदी को भी टैग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को टैग किया जा रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को टैग किया जा रहा है कि ESE को पोस्टपोन किया जाए, और रीज़न यही सब है क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, एक्चुअली क्या सेंटर पे ESE का ऑफलाइन जब होता है तो दूर दूर सेंटर भी पड़ता है, क्योंकि ये ऑफलाइन स्कूल होती है, तो कहीं दूर ट्रेवल करना टफ हो जाएगा इस कोविड सिचुएशन में, और क्या कहते हैं आपके इतनी दूरी डिस्टेंस पे ट्रेवल करना, व्हीकल का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये सारी चीज़ें देखकर स्टूडेंट इस पर नाराज, एग्जाम कैंसिल भी हो रहा है, तो क्यों UP सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी कैंसिल हुआ, तो उसका जो होगा 10 अक्टूबर को पेपर होगा, तो मेरा मानना है कि पेपर तो कैंसिल होना ही चाहिए, अभी उनको नोटिफिकेशन दे देना चाहिए अभी करेंट टाइम में, क्योंकि यार लेट जितना डिले करोगे उतना टफ कॉल हो जाएगा, क्योंकि जितना डिले करते रहोगे उतना स्टूडेंट को वो बढ़ता रहेगा, पढ़ाई पढ़े या ना पढ़े ये भी दोनों कंडीशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो इनको 1-2-4 दिन में दे देना चाहिए, जैसे सिविल सर्विसेज का बहुत पहले दे दे, सिविल सर्विसेज से मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग सर्विस सिविल सर्विसेज से पहले करा देने चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिले है, तो आपका जो सेकंड वाला वो ज़्यादा डिले हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ों को देखकर इनको लेना पड़ेगा। और कुछ ट्विटर पे जो रिएक्शन थे वो भी देखा जाए, स्वाति डांगी बोलते ड्यूरिंग द पेंडेमिक एवरी वन इज ट्राइंग टू बी सेफ एंड एक्चुअली फाइट टू लाइव, काइंडली पोस्टपोन ESE exam, student are not mentally prepared for the exam, this will be increase the risk of health as well as career, to please look this matter, yes right, क्योंकि यार ये condition पहला जो था situation उससे ज़्यादा tough है, क्योंकि number of death भी ज़्यादा हुई है, लोग बोल रहे हैं कि मुझे वैक्सीन भी लगना चाहिए, वैक्सीन भी, जब तक वैक्सीन नहीं लगता तो पेपर, बहुत लोग बोल रहे हैं UPSC प्लीज पोस्टपोन ESE प्रिलिमिनरी 2021 to save date and notify student, hashtag postpone 2021 ESE and cancel the Assam board exam UPSC extra attempt, okay, और वो ये सब चीज़ें लग रही है, और एक सर हैं उनका नाम भी है कार्टून भाई, ऑल ऑफ कार्टून की तरह एक कार्टून शेयर किए हैं उन्होंने, एक मोजी शेयर किए थे, तो और भी चीज़ें बात करते हैं आप लोगों से, और क्या है, और एक मोजी जो शेयर हुआ था अभी ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ था, तो सर ने बोला है अदर एग्जाम्स, और जब इनको किया पोस्टपोन तो मुझे क्यों नहीं, तो ESE एग्जाम, तो ये सारी चीज़ें ट्विटर पे कल ट्रेंड हो रहा था जो मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ, और बहुत लोगों ने क्या कह दिया, दीक्षा मिश्रा जी बोलते हैं कि ESE प्रिलिमिनरी ऑफलाइन एग्जाम ऑफ 5 ईयर एंड 2 ईयर ब्रेक इन बिटवीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन एंड टेकिंग इट्स द बैक होम क्वाइट हाई, UPSC शुड बी पोस्टपोन, तो है इनको टैग मतलब लगा PM इंडिया और केजरीवाल
आपकी सिसोदिया जी, हंस राज मीना जो भी थे, उनको ज्योति सिंह भी यही बोल रही हैं। तो लोग बोल रहे हैं और भी स्टूडेंट है जैसे बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं देखते हैं। और आपके फिर आपके सिविल एमसीक्यू बोल रहे हैं, ये सारे यही बोल रहे हैं। आप सीएससी शेड्यूल 20 डेज बिफोर पोस्टपोन अक्टूबर, तो सीएससी भी तो यही हुआ था। ओके, तो अगला जो है बहुत सारे यही सारे लोग बोल रहे हैं पोस्टपोन इंश्योर द वैक्सीन बिफोर द एग्जामिनेशन, तो ये सारी चीज़ें बोले जा रहे हैं। कल जो ट्रेंड हो रहा था मैं उसको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके गाइज, तो कृष्णा दास बोले प्लीज सेव फर्स्ट एंड एग्जामिनेशन डब्ल्यू वैक्सीन लाख ऑफ स्टूडेंट अपेयर इन यूपीएससी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग जाके ट्विटर पे देख सकते हो ट्रेंड करते। आपको क्या लगता है कि आपको कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, आपका क्या राय है और क्या सुझाव है। अमित जी बोले मेनी स्टेट इंडिया को हैव नॉट फाइंड ए साइन ऑफ रिलीफ फ्रॉम सेकेंड वेव कंडक्टिंग एग्जाम लाइन ESE प्रीलिमिनरी यूपीएससी शेड्यूल 8 जुलाई, तो शुड बी इनजस्टिस ऑफ थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट। और लेलन टॉप और पीएम इंडिया को भी टैग किए हैं, ठीक है। तो गाइज आपका क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना और बताइएगा। और क्या होना चाहिए, ऐसे प्रीलिमिनरी कैंसिल होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए। मेरा मानना है पोस्टपोन होना चाहिए यार, इनको भी सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर के बीच पेपर में डाल देना चाहिए, ठीक है। और मेंस में दिसंबर तक करा दें, तो ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है। बाकी मैंने बोला कि आप इस मुद्दे पर बात किया जाए, आप लोगों का मानना था। तो गाइस बस इतना ही रखते हैं आज, छोटा सा वीडियो आपके लिए, छोटा सा मोटा। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो बहुत ज़्यादा और जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि जो पीएस सूज विदाउट गेट कितनी अब सीटें आती है, कितनी वैकेंसीज आती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे।